आप अनीमिक हैं, हो सकता है आपके डॉक्टर ने कभी ना कभी आपसे ये कहा होगा। हिंदुस्तान में अनीमिया एक बहुत ही आम कंडीशन है, आम भाषा में से कहते हैं खून की कमी। दरअसल ये खून की कमी नहीं होती है, ये खून में पाए जाने वाले रेड ब्लड सेल्स यानी कि RBC की कमी होती है। तो ये तो हुई बात अनीमिया की। एक और कंडीशन होती है जिसे कहते हैं सिकल सेल अनीमिया। ये एक तरह का अनीमिया है जिसमें रेड ब्लड सेल्स दराती का शेप ले लेते हैं। महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा इसके केसेस पाए जाते हैं। इंडिया की 3% आदिवासी जनता इससे पीड़ित है और 23% इस कंडीशन की कैरियर है, यानी उनके बच्चों को ये बीमारी हो सकती है। हमसे बात की सूर्या ने, उनके बेटे की उम्र 2 साल है और वो इस कंडीशन के साथ पैदा हुआ है। उसे ज़िंदा रखने के लिए लगातार खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। सूर्या जानना चाहते हैं कि क्या इस बीमारी का कोई पक्का इलाज है। देखिए, अव्वल तो सिकल सेल अनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसका पता पैदा होने से पहले ही चल जाता है, पर ज़्यादातर लोगों को ये बात मालूम ही नहीं है, इसलिए वो इसका टेस्ट भी नहीं करवाते। खैर, इलाज जानने से पहले डॉक्टर से ये पता करते हैं कि सिकल सेल अनीमिया होता क्या है और किन लोगों को ये हो सकता है। सिकल सेल अनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि रेड ब्लड सेल यानी कि लाल रक्त कोशिका में डिफेक्ट होता है, और जो हमारा नॉर्मल रेड ब्लड सेल होता है वो हमारी ब्लड वेसल में बहुत ही आराम से बह सकता है। लेकिन सिकल सेल अनीमिया में जब ये रेड ब्लड सेल किसी ब्लड वेसल से निकलता है, स्पेशली अगर कुछ छोटी ब्लड वेसल जैसे कैपिलरी से निकलता है, वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण ये अपना आकार बदल लेता है और ये सिकल यानी कि दराती की एक आकार ले लेता है, जिसके कारण ये वहाँ फंस जाता है और उस ब्लड वेसल को ब्लॉक कर देता है, और उसी के कारण सिकल सेल अनीमिया के लक्षण उत्पन्न होते हैं। कारण से होता है तो सिकल सेल अनीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी कि जो DNA है वहाँ पे म्यूटेशन हो जाती है। तो हीमोग्लोबिन हमारा 2 प्रोटीन से बना होता है, अल्फा और बीटा चेन्स। तो जो बीटा प्रोटीन चेन्स होते हैं, अगर उसमें म्यूटेशन हो जाए तो उसमें एक प्रकार की स्पेशल म्यूटेशन की वजह से सिकल हीमोग्लोबिन बन जाता है। और अगर माता पिता दोनों में सिकल कैरियर स्टेट हो तो 25% चांस होता है कि बच्चा सिकल सेल अनीमिया से पीड़ित होगा। तो ये कैरियर्स ज़्यादातर जो बेल्ट में पाए जाते हैं वर्ल्ड में, वो सबसे ज़्यादा अफ्रीका में पाए जाते हैं, लेकिन और भी कंट्रीज़ में ये मिलते हैं, और भारत में इसका कैरियर फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा मतलब महाराष्ट्र और उड़ीसा में है। तो यहाँ पे सिकल सेल अनीमिया का इंसिडेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। ज़्यादातर हड्डियों में, जैसे कि हाथों पैरों की हड्डियों में, जोड़ों में, कमर रीढ़ की हड्डी में दर्द हो सकता है। यहाँ तक कि 6 महीने के बच्चे में भी ये प्रेजेंट कर सकता है, हाथों और पैरों में दर्द और सूजन के साथ। इसके अलावा एक आम जो लक्षण होता है अनीमिया, जिसमें कि हीमोग्लोबिन कम होता है। वैसे सिकल सेल अनीमिया में जो हीमोग्लोबिन है ज़्यादातर 10 से कम ही रहता है मरीजों में, लेकिन कभी कभी ये हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा भी गिर सकता है, जिससे कि जान को खतरा हो सकता है। और तीसरा एक कॉमन लक्षण होता है इन्फेक्शन। जो ये मरीज़ होते हैं बार बार बीमार पड़ते रहते हैं, कोई ना कोई इन्फेक्शन होता रहता है, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इन सब की वजह से ऐसे मरीजों में हेल्थ रिस्क काफ़ी रहते हैं, जैसे कि न्यूमोनिया हो गया छाती में इन्फेक्शन की वजह से, या फिर पेशाब में इन्फेक्शन हो गया, उससे किडनियाँ ख़राब हो गई, या फिर आँखें ख़राब हो गई, रेटिनोपैथी हो जाती है, या स्ट्रोक हो गया जिससे कि पैरालिसिस हो जाता है। फिर आगे चल के इनमें पैरों में अल्सर्स बन सकते हैं, या फिर हार्ट भी फेल हो सकता है। ये सभी बीमारियाँ आगे चल के जानलेवा साबित हो सकती हैं। सिकल सेल एनीमिया से बचाव संभव है, तो अगर हम चाहते हैं कि हम शादी से पहले हम ये देखना चाहिए कि फैमिली हिस्ट्री जान सकते हैं हम किसी की, जिससे फैमिली हिस्ट्री का मतलब कि वहाँ पे किसी को सिकल सेल अनीमिया या उसके लक्षण तो नहीं। ऐसे हम स्पेशली उनमें देख सकते हैं जो कि ऐसी बेल्ट से बिलोंग करते हैं, जैसे कि मैंने बताया महाराष्ट्र और उड़ीसा भारत में, जहाँ पर सिकल सेल अनीमिया काफ़ी कॉमन है। दूसरा हम देख सकते हैं, हम ऐसे किसी इंसान का अगर हम जानना चाहते हैं तो एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट होता है HP इलेक्ट्रोफोरेसिस, वो करा के देख सकते हैं, हमें पता चल जाएगा वो सिकल सेल अनीमिया से पीड़ित या फिर उसका कैरियर तो नहीं है। अगर
माता पिता चाहते हैं कि वो बच्चा कंसीव करने से पहले भी अपनी टेस्टिंग करा सकते हैं एचपी इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिससे कि बच्चों में रिस्क कम हो जाए। लेकिन अगर प्रेगनेंसी हो चुकी है तो भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंटीनेटल टेस्टिंग करा सकते हैं, कोरियोनिक विलर सैम्पलिंग या एमनियोसेंटेसिस, दोनों ही बहुत सेफ टेस्ट होते हैं जिससे बच्चों को कोई खतरा नहीं होता और इसमें पता चल सकता है कि आगे चलकर बच्चा सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित होगा या नहीं। तो ट्रीटमेंट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है सपोर्टिव और दूसरा क्यूरेटिव। तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट यही है कि बार बार ऐसे मरीजों में ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन्स की जरूरत पड़ सकती है। दूसरा, क्योंकि मैंने बताया कि इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो इनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स, दर्द की दवाइयों की जरूरत पड़ सकती है, और क्योंकि इन्फेक्शंस बहुत कॉमन है तो इनमें इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ सकती है, जिसके लिए बार बार हॉस्पिटल में एडमिट भी होना पड़ सकता है। तो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इसका सिर्फ एक है अभी तक, जो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है, उसके लिए हमें डोनर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हम HLA टाइपिंग, जिसमें कि DNA लेवल पे मैचिंग करके देखते हैं कि कितना डोनर कितना सूटेबल है। तो अगर फुल मैच है तो काफ़ी अच्छे चांसेस होते हैं, और अगर आप किसी अच्छे सेंटर पे जाएं तो 80-90% चांस होते हैं कि सिकल सेल एनीमिया पूरी तरीके से पूर्ण तरीके से क्योर हो जाएगा और आगे चल के जो बच्चा है वो बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है। लेकिन अगर पूरा मैच नहीं है तो भी काफ़ी अच्छे चांसेस होते हैं कि हमें क्योर मिल जाएगा। तो इसलिए आवश्यकता है कि इससे डरे नहीं, लेकिन इसमें हमें जागरूकता होनी चाहिए। सिकल सेल अनीमिया क्या होता है ये तो आपको समझ में आ गया होगा। सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसका पता पहले ही लग जाता है अगर आप एक सिंपल सा टेस्ट करवा लें तो। जहाँ तक रही बात इलाज की, तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के ज़रिए इसका इलाज हो सकता है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए नींद पूरी होने के बाद भी डार्क सर्कल्स क्यों पड़ रहे हैं। जब नींद पूरी नहीं होती है तब आंखों के नीचे काले घेरे बन जाते हैं, यानी डार्क सर्कल्स। पर कई बार इन डार्क सर्कल्स के पीछे केवल नींद नहीं, कुछ और चीजें भी जिम्मेदार होती हैं। पहली चीज है जीन्स। नहीं, वो पहनने वाली जीन्स नहीं, इसका मतलब है कि अगर आपके मम्मी पापा को डार्क सर्कल्स की समस्या रही है तो हो सकता है आपकी प्रॉब्लम जेनेटिक हो, यानी माँ बाप से आपको मिली हो। डार्क सर्कल्स की दूसरी वजह है बुरी डाइट। हो सकता है आप वजन घटाने के लिए दिन में कम से कम खाते हैं, पर इस चक्कर में आपको सही डाइट और पोषण नहीं मिल रहा है। इसका आपके शरीर पर बुरा असर पड़ता है। आयरन, विटामिन के, विटामिन ई और जिंक की कमी की वजह से आंखों के नीचे झाइयाँ पड़ जाती हैं। आयरन में ऑक्सीजन होता है और शरीर में उसकी कमी की वजह से आंखों के नीचे डार्कनेस आ जाती है। साथ ही विटामिन के में एंटीकोगुलेंट होता है, यानी वो पावर जो आपके शरीर में खून के थक्के बनने से रोकता है। अगर आपका खून हेल्दी होगा तो आपकी आंखों के नीचे झाइयाँ भी नहीं पड़ेंगी। तीसरी बात, हम अक्सर वेट लूज करने के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि हम अपने शरीर के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। आंखों के नीचे बहुत ही कम मात्रा में फैट होता है, ये एक तरीके का बफर होता है आपकी स्किन और नसों के बीच में। जब आप एकदम से बहुत ज़्यादा वेट लूज़ करते हैं तो फैट का ये पैड भी गायब हो जाता है, और अगर ये बीच में नहीं रहता तो स्किन लगातार नसों से रगड़ती रहती है। इस वजह से आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। आंखों के नीचे ऑयल ग्लैंड्स नहीं होते, यानी ऑयल निकलने वाले पोर्स नहीं होते हैं। ये स्किन बहुत ही ज़्यादा पतली और सेंसिटिव होती है। अगर आप बहुत सख्त हाथों से इनको बहुत ज़्यादा रगड़ते रहते हैं तो आपकी नसों को नुकसान पहुंचता है, और इस कारण से आंखों के नीचे कालेपन की समस्या हो सकती है। समझे, अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप। जानिए कैसे पता चलेगा जो सब्जियां और फल आप खरीद रहे हैं उसमें आर्टिफिशियल रंग तो नहीं मिला है। कुछ सब्जियों और फल देखने में इतने फ्रेश, इतने अच्छे लगते हैं कि आप उन्हें झट से खरीद लेते हैं, ये सोचकर कि अगर फल या फिर सब्जी का रंग अच्छा लग रहा है तो वो ताजी होगी। पर ऐसा नहीं होता है। कई बार फलों और सब्जियों को सुंदर दिखाने के लिए आर्टिफिशियल रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि आर्टिफिशियल कलर्स। अब कैसे पता चलेगा आपने जो फल या सब्जी खरीदी है उसमें रंग तो नहीं मिला हुआ, ये हमें बताया डाइटिशियन रेखा गुप्ता ने। कई बार सब्जियों और फलों में रंग या फिर मोम लगाकर उसे सुंदर दिखाने की कोशिश की जाती है। कई बार ऐसा इसलिए किया जाता है कि वो जल्दी ख़राब ना हो। जब भी आप कोई फल या फिर सब्जी खरीदें तो उसे गीले कपड़े से पोंछ कर देखें कि उसमें से रंग तो नहीं निकल रहा। उससे भी अच्छा तरीका है कि आप सब्जी या फल को 30 मिनट तक नमक और सफ़ेद सिरके के पानी में भिगो कर रखिए। अगर फलों में या सब्जियों में रंग लगाया गया होगा तो वो पानी में उतर आएगा। मोम का पता लगाने के लिए सब्जी या फिर फल को ब्लेड से खुरच के देखिए। अगर उससे कुछ नहीं निकल रहा है, सिर्फ जो स्किन है वो पील हो रही है, इसका मतलब है कि उसमें खाने वाला रंग या वैक्स नहीं मिलाया गया है।
आज से हद पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।